हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। मित्रों, आपने पिछली क्लास में बहुत कुछ सीख लिया भाई जी, तो आज की क्लास आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आपका चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट होगा। पिछली क्लास में आपने समीकरण पढ़ लिया, यानी कि इक्वेशन सीख लिया। आज बात करेंगे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी को हिंदी में सर्वसमिका बोलते हैं। तो सर्वसमिका क्या होती है, चैप्टर का नाम सुन लो, समीकरण तथा सर्वसमिका देख लो, चैप्टर 6 है या 5 है, आगे पीछे देख लो, चैप्टर का नाम समझना। तो आज हम करेंगे पहले सत्यता की जांच कि समीकरण के बारे में, जैसे आपने सुना था कि समीकरण किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे देखो बच्चा, जैसे यक्स धन 7 बराबर अगर 10 है, तो यहाँ पर यक्स का मान सिर्फ और सिर्फ 3 रखने पर ही ये समीकरण संतुष्ट है, अन्यथा ये संतुष्ट नहीं होगा। अगर यक्स का मान आप 3 की जगह कुछ और रख दो तो ये समीकरण सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन समीकरण के अलावा अगर हम सर्वसमिका की बात करें बच्चा, तो ये सर्वसमिका जो है ये सभी के साथ संतुष्ट होती है। आप चाहे जो मान रख दो ये सब में संतुष्ट होती है। लेकिन फिर इसमें आपको सीखना क्या है वो चीज़ देखो। पहले हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या ये बात सही है या गलत है, सभी मान के लिए सत्य होता है कि नहीं। हमने एक सर्वसमिका ले लिया है जिसका LHS है या RHS है। हाँ, आप चलो आगे देखते हैं। x का इसमें कोई भी मान रखो, अगर ये सर्वसमिका है तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएगा। कोई भी मान रख दो x का, देखो ये मेन सर्वसमिका तो ये है, मैंने पूरा लिखा है ये बच्चा, ये है। हाँ ठीक, कोई भी मान रखो, anyone, दोनों पक्ष बराबर होंगे LHS RHS। चलो, पहला क्रम संख्या में हम x का मान रखेंगे, कितना रख दें जो भी कहो, बोलो -2 रख दें। चलो x का मान -2 रखो x की जगह पर, अंदर में 2 गुणा ये -2 होगा बच्चा, छोटा फल लिख लो, और +5, हाँ ये बड़ा कोष्टक लगा दो। लेकिन ये चीज़ गलत है, अगर यहाँ पर आप छोटा कोष्टक लगाए हो तो यहाँ भी आप छोटा कोष्टक फिर नहीं लगाओगे, मान माइनस में था इसलिए हम मझला कोष्टक लगाएंगे। ये चीज़ आप जानना, बोर्ड मास रूल में सिखाया जाता है। हमें x के मान 2 रखने हैं माइनस में, तो यहाँ भी हम रखेंगे -2, उसके बाद बच्चा ये हो जाएगा 5x, x की जगह पे -2 रखोगे, आप हल करके देखो आपको मिल जाएगा नतीजा क्या आता है। देखो इसको फाइनल में करोगे तो ये -2, अंदर में इसका गुणा करोगे माइनस में, उत्तर आएगा -4 आएगा, -4 और +5, आप जानते हो -4 प्लस का 5 कितना आएगा, आप सोच के बता दो मुझे जल्दी से, बोलो फटाफट बोलो कितना आएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, -2 इसका कुल मिला के उत्तर आएगा, क्यों, -4 प्लस 5 का मतलब 1 आएगा बच्चा, 1 गुणा कर लो 2 आएगा, -2 उत्तर आ गया। हाँ इसको कर लो, इसमें भी -2 आना चाहिए, करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे 4 होगा, 4 का 2 में गुणा करोगे 8 होगा बच्चा, और ये प्लस, और ये 5 दूना कितना होगा 10, वो भी माइनस में, कितना होगा -10। आप जानते हो प्लस माइनस खुलेगा तो घट जाएगा, -2 आएगा। देखो LHS RHS दोनों बराबर आया ना, दोनों बराबर आया जब मैंने क्या रखा था, x का मान -2 रखा, तब दोनों पक्ष बराबर आया। आप जो भी चाहो वो रख दें, हम दोनों पक्ष बराबर आएगा। चलो अब -2 तो मैंने रख के आपको दिखा दिया, आपने नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे करके लिख लो। देखो टाइम आपको हम पूरा दे रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी समझ लो। आप कोई भी मान रखो x का, सिर्फ हल करना सीख लो, खुद से कर लेना, ज़रूरी नहीं कि मैंने -2 रखा तो तुम भी -2 रखो, तुम यहाँ 5 रख दो, 8 रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ सीख जाओ बस। अब देखो x का मान हम -1 रख देते हैं, चलो कुछ भी रख लो, -1 रख दिया तो x की जगह पे -1, छोटा कोष्ठक, हाँ 2, दूसरी जगह हल करके ला के रख दें क्या, इसी में करें, चलो दूसरी जगह कर देते हैं, 2x है ना बच्चा, तो 2x, 2 इंटू इसका मान -1 जब रखोगे, आप जानते हो -2 आएगा, कितना आएगा फाइनल में, -2 आएगा ना, ये बात पक्की है ना, ठीक है। तो -2 ये हो जाएगा और प्लस का ये 5, इतना ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं ना, इसको घटाओगे प्लस का 3 आएगा, इसमें गुणा करोगे -3, फाइनल में 3 उत्तर आएगा। हाँ चलो इसमें कर लें, -1 रखोगे, -1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो धन का 1 हो जाएगा, और 2 में मल्टीपल करोगे बच्चा तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 5 का जब -1 में गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा x की जगह पे, तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 ये कुछ ऐसे रूप ले लेगा। हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फाइनल में -3 आएगा। आपने देखा कि x का मान 2 रखा तब भी माइनस का क्या आया था, 2 यहाँ भी आया था, यहाँ भी 2 आया था,
यक्स का मान मैंने -1 रखा, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, मान क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, दोनों मान बराबर आने चाहिए तब वो क्या है, तब वो सर्वसमिका है। कोई भी मान रख के देख लो आप फटाफट, हर स्थिति में दोनों पक्ष क्या आएगा बच्चा, बराबर आएगा। शून्य रख के देख लो तो दोनों तरफ क्या आएगा, शून्य आएगा। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए दायां पक्ष व बायां पक्ष यानी कि LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हैं। अब इसकी परिभाषा क्या कहोगे आप, सर्वसमिका की परिभाषा लिखो, हेडिंग डालो सर्वसमिका की परिभाषा। इतना करने के बाद नीचे लिख लो सर्वसमिका की परिभाषा। ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक, ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमिका कहलाती है। एक बार फिर से सुन लो, नहीं तो वीडियो थोड़ा बैक करके फिर से सुन लेना। ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है वो सर्वसमिका कहलाता है या कहलाती है, कुछ भी लिख दो, लड़का लड़की नहीं है ये। हाँ चलो आगे। तो बच्चा ये हो गया क्या सर्वसमिका। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ऊपर मैंने दिया ये क्या है, एक सर्वसमिका है। उदाहरण नीचे लिख देना, सर्वसमिका कहलाता है या कहलाती है कि नीचे डाल दो उदाहरण। उदाहरण के नीचे इसको लिख दो, उदाहरण के नीचे आप सूत्र लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिख दो, ये सब सर्वसमिका है। हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लिख दो नीचे, ये सभी सर्वसमिकाएँ हैं, आइडेंटिटी हैं। चलो आगे देखो क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसी भी अगर चीज़ के बारे में बात करें तो उनके प्रतिद्वंदी हमें तभी समझ में आते हैं जब हम उनकी तुलना करें किसी से। जैसे देखो, अगर आप देखो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, आप कहो राजनीति में चलते हैं, अगर चूंकि इस समय माहौल गर्म चल रहा है, बेरोजगार युवा जो है काफ़ी जोर शोर पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी की अगर तुलना करना है अगर पिछले से या फिर अगले से, तब हम दोनों के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं कि भैया वो कितना गड़बड़ किया था, ये कितना अच्छा कर रहा है, या फिर उसने कितना अच्छा नहीं किया था, इसने कितना अच्छा कर दिया ना, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो इसी तरह से अब हम लिखेंगे समीकरण और सर्वसमिका में अंतर। आप हेडिंग डालो समीकरण व सर्वसमिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, समीकरण व सर्वसमिका में अंतर। देखो मैं चीज़ें बोलता हूँ, आप छोटे बच्चे नहीं हो इतना बड़ा पिल्ला भर का कि मैं एक एक अक्षर लिखूँ तो देख के छाप लो। मैं बोलता हूँ तो लिख भी तो सकते हो ना, हिंदी तो आती है। चलो समीकरण तथा सर्वसमिका में अंतर, समीकरण तथा सर्वसमिका में अंतर, हाँ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब देखो मैं एक सारणी बनाऊंगा, हाँ उसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, चुना है, कहीं बुक में भी आपके दिया है, 4x+3 इक्वल। देखो समझने की कोशिश करना इसमें जो मैं समझाऊंगा, क्योंकि बुक तो आपके पास है, आप खुद भी ये कहानी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेंगी आपके बुक में। दूसरा नंबर मैं इधर लिखता हूँ जिससे कि जगह बची रहे। हाँ चलो 2x, इसको लिखते जाओ पहले, जब समझाने लगेंगे तो मत लिखना, लेकिन जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक लिखते जाओ। देखो मैं डोलता रहता हूँ, हिलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें दिखाई पड़े, इनका इसमें गुणा कर देना है तो 2x का क्यूब हो जाएगा, इसमें मल्टीपल कर दो माइनस का 2x हो जाएगा। अब चलो आगे कहानी बढ़ती है, तालिका बना लेते हैं एक सर्वसमिका का और समीकरण का, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। चलो इसमें हम आपको अंतर दिखाते हैं। देखो ये है 4x+3=2x+1 मतलब 11। ये है 2x(x²-1)=2x³-2x। देखो ये सर्वसमिका है, ये समीकरण है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे आपको समझ में आएगा, इसके लिए आप पूरा क्लास देखो, भागना नहीं कहीं। हाँ देखो ये दोनों अलग अलग है, उधर सर्वसमिका इधर समीकरण है। अब देखो बच्चा यहाँ पे रेड लाइन आ जा रही बीच में, रेड लाइन मतलब ये डिसाइड करती है कि ये अलग क्षेत्र है वो अलग क्षेत्र है। चलो हम दोनों तरफ चलेंगे, जायजा लेंगे कहाँ क्या अंतर है, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, दोनों देखेंगे। चलो ये बताओ, अगर हम इस समीकरण में यक्स का मान 1 रखें और सर्वसमिका में भी 1 रखें तो क्या तहलका मचता है। देखो यक्स का मान 1 रखो बच्चा,
इसमें आप वन रखो एक्स का मान, आप जानते हो हल करना। एक्स का मान एक रखोगे तो चार एक कम चार होगा, और चार में तीन जुड़ेगा सात हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो भाई ये आपका दायां पक्ष है यानी RHS है, और ये आपका LHS है। बोलो है कि नहीं? ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। दायां बायां कैसे? ऐसे खड़े हो जाओ, देखो ये दाहिनी साइड है हाथ के, बाईं साइड है, तो ये दाहिना पद हो गया, ये बायां पद हो गया। तो बायां पद कितना आएगा मान? सात आएगा। दायां पक्ष का मान देखो क्या आएगा, हल करना, आप जानते हो ना। यहाँ पे x की जगह पे जब 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, दो एक कम दो ना, दो और ये 11 जोड़ दो, 11 दो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, मतलब समझते जाना पूरा, कितना हो जाएगा बच्चा ये 13, यानी बायां पक्ष 7 दायां पक्ष 13 आया जब मैंने एक रखा। अब आगे देखो कहानी कैसे होती जाती है, पूरा देखो। ये बताओ LHS और RHS बराबर हैं इसमें? नहीं बराबर हैं। ये चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी एक आप और कालम बना लेना, उसमें समझ लेना। आगे देखो, x का मान अगर इसमें हम 1 रखें, चलो इसमें भी क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, चूँकि इसमें भी मैंने 1 रखा था तो 1 ही रखना उसमें भी। इसमें जब 1 रखोगे आपको पता है कि 2 एक कम 2 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, और 1 में से 1 घटा दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा भाई, सीधी सी बात है। देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज कर रहा होगा तो मैं कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ हल कर दूँ। देखो उसको लिख लो पूरा, 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ इतने में रखना हमें एक्स का मान। देखो वो कौन सा पद है, दायां है, ये बायां है, बाएं में मैं रख रहा हूँ। एक्स का मान एक रखोगे बच्चा, ये इतना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, यही होगा, 2 एक कम 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 2 गुणा 0 बराबर 0, कितना आएगा, 0 आएगा जब एक्स का मान रखोगे 1 रखोगे। अगर दूसरे पद की बात करें हम बच्चा, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह पे 1 रख दो, 1 का कितनी भी बार गुणा कर लो, चाहे 3, 4, 5 बार, तो 1 ही रहेगा, तो हमेशा ये क्या रहेगा, 2 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 1, मतलब कुल मिलाकर के ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। आपने देखा जब हमने इस सर्वसमिका में x के मान 1 रखे तब दोनों पद इसमें बराबर आया, LHS और RHS दोनों इक्वल आया। लेकिन भाई साहब ये समीकरण में ऐसा नहीं हुआ, समीकरण में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसे बायां पद बोलते हैं 7 आया है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड जिसे बोलते हैं दायां पक्ष, वो 13 आया है। अब अगर हम बात करें दूसरे किसी मान की, चलो मान लो कि मैंने 2 रख दिया, समीकरण में क्या रखते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं, तो बच्चा 2 रख के यहाँ देख लो, 4 और x की जगह पे 2 रखोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। हाँ, x की जगह पे यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 में 11 जोड़ोगे तो 11 8 कितना होगा भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है का? नहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 रखोगे ना x का मान तो 2 दूना 4 होगा, 11 4 15 कितना आएगा, 15 आएगा। इसमें भी चलो हम 2 ही रखवा देते हैं लगे हाथ, हाँ देखते जाओ, अंतर आपको समझ में आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। समीकरण जो है वो x के किसी एक निश्चित मान के लिए ही दोनों पद बराबर होगा, LHF RHS, जबकि सर्वसमिका x के प्रत्येक मान के लिए हमेशा बराबर होगी, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, यही मुख्य अंतर होता है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब देख लो, हाँ x का मान 2 रखो, इसमें इसमें 2 रखो, मैं हल करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नीचे देख लो, 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है ना, यही है। x की जगह पे 2 रखो बच्चा, आप जानते हो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये x की जगह पे 2, और x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, आप जानते हो ये 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना, 2 दूना 4 3 आ जाएगा, 4 3 12 कितना आएगा, फाइनल में 12 आएगा, कितना आएगा भाई साहब, 12 आएगा ना, 12 आएगा, लिख लो, ये हो गया 12। इसी तरह से अगर आप x का मान उसमें रखो जो उधर साइड में है, उसमें भी 12 ही आना चाहिए, आएगा 12, कैसे आएगा, देखो मैं लाऊंगा ना, टेंशन काहे को लेते हो, देखो इधर साइड में आ रहा, दौड़ के आ रहा ये 12, कैसे, x के मान 2 रखने हैं तो यहाँ पे 3 घात भी लगी थी भाई साहब। x के मान 2 रखोगे, आप जानते हो कि 2 का जब क्यूब करोगे तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, कितना होता है 8, हाँ तो यानी x क्यूब का मान 8 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा यार, 16 आएगा साथियों, माइनस 2 गुणे x का मान 2 रखोगे तो 4, हाँ 16 में से 4 गए 12 आया, ये भी देखो बराबर आया ना बराबर, कोई भी मान आप रख के देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो मैं 3 रख के दिखा देता हूँ, काहे को टेंशन लेते हो, 3 रख लो, x की जगह पे 3 रखोगे तो 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15,
कितना आएगा 15। यहाँ पर भी 3 रख लो, 2 3 6 11 6 17 हैं। गड़बड़ हाँ, सिंपल सी बात है, गड़बड़ होगा ही, चूँकि बराबर थोड़ी आएगा ये। यहाँ पे 3 रखोगे, 2 3 6 11 6 17। चलो यहाँ पे भी मैं सर्वसमिका में भी 3 रखवा देता हूँ, देख लो, बिल्कुल टेंशन ना रह जाए एक भी मिनट के लिए, चाहे जितना बार भी रख के देख लो। सिर्फ और सिर्फ यक्स के मान 4 रखने पर यहाँ पर दोनों पद बराबर आएंगे, 4, बाकी किसी पर भी दोनों पद बराबर नहीं आएंगे। लेकिन सर्वसमिका में कुछ भी रखो सब बराबर आएगा, इसको सब हजम है, कुछ भी रखो। 3 रखो, 2 3 6 और ये 3 3 9 कितना आएगा भाई, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 3 3 9 माइनस 1 करोगे 8 आएगा, ये 8 हो गया और ये 2 3 6 हाँ, 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो बच्चा ये आएगा 48, कितना आएगा ये 48 आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ हटा के रख देता हूँ, अब देखो आगे क्या होता है, कितना आया 48। अब 3 रखोगे जब और 3 का क्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आएगा, बोलो। 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, मैंने क्यूब याद करवाया ना, 27 आएगा बच्चा। 27 में जब 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, माइनस 2 × 3 मतलब 6 आएगा, 54 में से 6 घटाओगे, 54 से जब 6 सबट्रैक्ट करोगे तो 48 आएगा, कितना आएगा 48। इस तरह से फिर से देखो, ये हर एक मान के लिए बराबर है, 1 रखा तब भी दोनों बराबर, 2 रखा तब भी दोनों बराबर, 3 रखा तब भी दोनों बराबर, लेकिन ये बेवकूफ़ कहीं बराबर नहीं हुआ एक भी जगह, हाँ इसकी अलग चुर रही, उसकी अलग चुर रही भैया। अब देखते जाओ आगे कैसे कहानी होती है, बस देखते जाना, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, घबराना नहीं। चलो एक्स का मान 4 रखो, चलो काहे देर करते हो, एक्स का मान 4 रखो भाई साहब, एक्स का मान 4 रखोगे यहाँ पर तो 4 × 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ोगे 19 आएगा। अब हल करना आपको आता, मैं नहीं बताऊँगा, बार बार यही बताऊँगा जिंदगी भर, क्या एक्स का मान यहाँ पर 4 रखोगे तब 4 × 2 = 8, 8 में 11 जोड़ोगे 11 × 8 = 19, कितना आएगा 19। देखो खुदा ना खास्ता दोनों पद बराबर आ गए एक्स बराबर 4 पर, तो अब ये भी जान लो यही ब्रह्मा की लीक हो गई भैया। अब ये 4 के अलावा कोई भी मान रख लो, कभी भी दोनों पद बराबर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यक्स के 4 रखने पर ही दोनों पक्ष बराबर आएगा। लेकिन ये बेचारा तो पहले से ही ढोता आ रहा है, इसमें कुछ भी रख दो सब सही है। चलो इसका मान अगर 4 रखोगे तो ये 4 × 2 = 8 और इसका 4 रखोगे मतलब 4 × 16 में से घटाओगे 15 और 15 × 8 कितना हो जाएगा 120 ना, तो कितना आएगा ये 120। इसमें भी चलो देख लो, 4 रखोगे, 4 का क्यूब करोगे जब तो कितना आएगा आपको पता है, मैंने क्यूब आपको याद करवाया था बचपन में, अगर याद करो तो, पढ़े लिखे हो तो भाई याद होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं याद होगा। तो 4 का अगर हम क्यूब की बात करें तो 4 × 16 = 64 होता है, 64 का 2 में गुणा करोगे माइनस 2 × 8 हाँ भाई, 2 × 8 = 12 128, 128 से 8 घटा लो 120 आएगा। आप यहाँ पर अगर नज़र दौड़ा के देखो बच्चा, तो ये यक्ष के प्रत्येक मान के लिए बराबर है जो सर्वसमिका थी, लेकिन जो समीकरण है वो यक्ष के सिर्फ और सिर्फ 4 रखने पर ही बराबर आया है, बाकी किसी मान पर भी बराबर नहीं आया है। चाहे आप 5 रख के भी देख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो मैं 5 रख के भी दिखा देता हूँ यार, 5 रख लो, यक्ष का मान 5 रखो, 4 × 5 = 20 × 3 = 23 कितना आएगा ये 23 रख लो, लो कितना आया 23। इसमें भी 5 रख लो, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 10 × 11 कितना आएगा 21 हाँ, 2 × 5 = 10 = 11 = 21। इसमें भी रख लो, ये बेचारा हरदम बराबर आएगा, बहुत सीधा फायदा है ये, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 और उसमें से घटा दोगे 24, ये 10 है वो 24 है, तो 24 × 10 = 240। यहाँ पर 5 रख लो बच्चा, आपको पता है कि 5 का क्यूब करोगे भाई, यहाँ घात 3 है तो क्यूब करोगे, 5 × 5 = 125 आएगा, 125 का 2 से गुणा करोगे हाँ माइनस 2 × 5 ये कितना हो जाएगा 10, आपको पता है 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, हमें लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ है का, बराबर हमेशा आना चाहिए, 5 × 25 = 125, मैंने क्या रखा 5 ही तो रखा ना यार, चलो देख लेता हूँ, 2 से गुणा करो, 5 × 5 × 5 5 × 25 = 125, 125 का 2 में गुणा करो, ओ 150 कहाँ से आएगा भाई साहब, 125 × 2 = 250 होगा, 250 से इसको घटाओगे तो 140 होगा, कितना होगा 240 होगा, कितना आएगा 240, यहाँ पे तो मैं 240 वैसे लिख दिया फालतू है, मैं यहाँ 5 रखो ना, ये तो एक्स का मान है ना, 5 रखोगे तो यहाँ 240 आएगा, वहाँ भी रख लो, देखो 240 आया,
यानी ये फिर से जब मैंने 5 रखा तो अलग अलग आ गया, 23-21 आ गया, लेकिन ये कभी नहीं बदला। इस तरह से आप कह सकते हो कि यक्ष के प्रत्येक मान के लिए जो बराबर होता है वो सर्वसमिका कहलाती है, और यक्ष के जो एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होता है वो समीकरण कहलाता है। यही मूलभूत अंतर था समीकरण और सर्वसमिका में। आप इन्हें नोट करिए, नोट्स बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें जाएं, इस तरह से बड़ी बड़ी क्लास देखें, एक एक घंटे दो दो घंटे की मस्त क्लास, और टॉप करेंगे आप DLED की परीक्षा में। मैथ में हमारी गारंटी होती है, बाकी विषय आप घर पे पढ़ सकते हो, जो आपके संस्कृत है, पर्यावरण है, हिंदी है, जो भी है उनको रट डालो घर में बैठ के कहानी नुमा बना के। प्यार करना सीखो इन विषयों से, जैसे प्यार में आप WhatsApp और Facebook में पागल रहते हो, वैसे इनसे प्यार कर लो तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। समझते हो ना, जब प्यार हो जाता है ना तो बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं, तो वो मैथ जो बहुत मुश्किल लगती है ना बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन कोशिश तो करके देखो ना, एक बार संभव होगा ज़रूर, है ना। चलो आगे चलते हैं, नीचे लिख लो निष्कर्ष, नीचे निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष लिखो, ये पूरा कहानी करने के बाद निष्कर्ष लिखो, भाई ये सब मैंने किया तो इससे क्या निष्कर्ष मिला, रिजल्ट क्या आया, लिखो। उपरोक्त तालिका से हम देखते हैं, उपरोक्त तालिका से हम देखते हैं कि समीकरण यक्ष के एक निश्चित मान के लिए, यक्ष के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। जैसे देखो यक्ष के ये सिर्फ और सिर्फ 4 रखने पर ही संतुष्ट है दोनों पद, बाकी संतुष्ट कहीं नहीं है। तो उपरोक्त दोनों तालिका से हमने देखा कि समीकरण यक्ष के किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका यक्ष के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, जबकि सर्वसमिका यक्ष के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। ये मैंने अपनी तरफ से बना के बताया, आपकी बुक वाली परिभाषा बता दूं, आपके बुक में क्या दिया है उसको भी देख लो। आपके बुक में ऐसा दिया है, चाहे उसको लिखो या ऐसे लिखो, कोई गलत नहीं काट सकता। अगर ऐसे आपने बना दिया और मेरी बात लिख दिया, अगर आपको नंबर नहीं मिला बताना, हम आएंगे, हाँ, कोई काट नहीं सकता है। आपके बुक में लिखा है, अरे बड़ी लंबी कहानी है, उसके बाद लिखा है नीचे, अतः समीकरण एक ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए या मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका एक ऐसा समानता सूचक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यही समीकरण और सर्वसमिका में प्रमुख अंतर है। हाँ, जो मैंने लिखवाया उसमें भी नीचे लिख देना, यही समीकरण और सर्वसमिका में प्रमुख अंतर है। तो हो गया ये समीकरण सर्वसमिका, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चा। इसके बाद हमें आपको क्या कराना है, एक्सरसाइज करवाने हैं, प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न करवाने हैं, वो आप लोग अगर चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो मैं करवा भी दूंगा, टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, बस आप PBR स्टडी के साथ बने रहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, उनको नोट कर लीजिए फटाफट, देर मत करिए। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज के उद्देश्य से है, आप इनको ज़रूर देखिए। अध्याय 7 है आपका सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में सर्वसमिका कौन है, इनमें जो दिया गया उनमें सर्वसमिका कौन है, उन्हें आपको बताना है। सर्वसमिका मीन्स आइडेंटिटी, जो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है वही सर्वसमिका कहलाता है। इसे ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक या एक ऐसा बीजीय कथन जो यक्ष के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है वो सर्वसमिका कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है कंडीशन, अगर इसमें यक्ष का मान कुछ भी रख के आप देख लो, ये हमेशा क्या आएगा, दोनों पद बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसमें अगर हम यक्ष का मान 1 रखेंगे तो दोनों पद बराबर आएगा। बच्चा देखो, यक्ष का मान 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 5, दोनों बराबर आएगा। अगर हम यक्ष का मान 2 रखेंगे तो ये 2 × 2 = 4 = 3 = 7, 7 = 5 बराबर नहीं है। 3 रखोगे 2 × 3 = 6 = 9, 9 = 5 बराबर नहीं है। यानी यक्ष के सिर्फ 1 रखने पर ये दोनों पद बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। ये एक समीकरण है, सर्वसमिका नहीं है। अगर इसकी बात करें, इसमें आप सीधा सीधा देखो, 2 का x में मल्टीपल कर दो 2x हो जाएगा, 2 का 1 में कर दो 2 हो जाएगा, यानी 2x + 2 जो कि इधर साइड में है, यानी ये सीधा सीधा सर्वसमिका है। कैसे, x का कोई भी मान रख के देख लो बच्चा, इसमें x का मान अगर 1 रखोगे तो x की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ना, इधर के आ गया 4। अगर x का मान इधर 1 रख दें तो 2 × 1 = 2 और फिर −2, 2 × 2 = 4, दोनों पद बराबर हो जाएगा ना। अगर हम 2 रख दें x का मान तो आपको पता है यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 3, 3 ना, और 2 में गुणा करोगे 6। यहाँ पे अगर हम 2 रख दें
यक्ष पे तो दो दूना चार और चार में दो जुड़ेगा छः, यानी यक्ष का मान एक रखने पर दो रखने पर भी बराबर है, तो तीन रखने पर कौन मुसीबत है, तीन रख के देख लो। तीन रखोगे यक्ष की जगह पे तो तीन दाने एक चार हो जाएगा, चार का दो में गुणा करोगे चार दूना आठ, कितना आएगा आठ यानी एट। यहाँ पे चार रख लो, कितना तीन रखना ना, अभी तीन रख लो, दो तियाई छः, छः में दो जोड़ोगे आठ, दोनों पद बराबर आया ना, एक दो तीन कुछ भी रखने पे बराबर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक रखने पे बराबर आ रहा है। वैसे इसको देख लो बच्चा, ये भी क्या है यक्ष के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए दोनों पद बराबर होगा, अन्यथा ये कभी भी बराबर नहीं होगा, करके देख लो। अगर यक्ष का मान माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे माइनस चार आ जाएगा, इसमें माइनस वन रखेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का टू प्लस का सिक्स, तब भी ये बराबर नहीं होगा। आप रख रख के ट्राई कर लो अलग अलग मान, देखो अगर किसी पे संतुष्ट होता है तो बता देना फिर। हाँ तो आप समझ गए, ये सर्वसमिका है, इसमें एक ही था, बाकी और सभी समीकरण हैं, बाकी ये कभी भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। हाँ चलो, हाँ लेकिन जो समीकरण होंगे वो यक्ष के एक निश्चित मान के लिए कभी ना कभी एक दूसरे को संतुष्ट जरूर करेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ तो चलो, दूसरा कह रहा है इस समीकरण में यक्ष का मान क्या है। देखो मैंने बहुत अच्छे से शुरू में बताया था, जो समीकरण और सर्वसमिका बताया था, यक्ष का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, यक्ष इधर रहने दो, सात को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, नौ माइनस सात बराबर दो आएगा, यक्ष का मान दो आ जाएगा, सिंपल सी बात, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यार अगर पढ़े लिखे हो ना, ईमानदारी से क्लास देखे हो तो सब कर लोगे, नहीं देखे हो तो फिर कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल लगेगा ये सब। अब देखिए आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनको खुद इस तरह से करिए, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, बाकी अगर समय बचेगा तो लास्ट में अभी हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न यूट्यूब पे लाइव करवा देंगे, सभी बच्चे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दे दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में, आप लोग वेट करिए, नंबर पे संपर्क करना, अगर नहीं मिलता है तो याद दिला देना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप जो कोर्स पढ़ाया गया अगर ईमानदारी से देख लिए हो, सीख लिए हो तो सब हो जाएगा। इसके आगे जो आठ चैप्टर हैं देखो उसमें पूरा है, पहले से जाके सभी को देखो और ईमानदारी से पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, खाली मन से पढ़ो, कोशिश करो कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, दिमाग जो है वो निश्चित रहता है, एक आराम की अवस्था में रहता है। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, अगर आपको कुछ याद नहीं होता, आप याद करते हैं तो उसे याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपको मान लीजिए कुछ भी याद करना, मैथ का फार्मूला या सूत्र या किसी की जीवनी कुछ भी, तो जब आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले उसको अपने पास रखिए, लिख करके कहीं भी उसे एक बार देख लीजिए, बेड पर जब जाइए तो ऐसा मत देखिए कि मुझे याद करना है, टेंशन में आ जाओ, नहीं, केवल एक बार पढ़ लो उसको आराम से, हल्के में बस रख दो, सो जाओ। जब आप लेटोगे आपके दिमाग में उससे संबंधित वर्ड आएंगे, मैंने क्या पढ़ा था, कैसे क्या था, सोचोगे, सोचते सोचते सो जाओगे, फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें उसमें से याद हो जाएंगी। जैसे सुबह उठो, बिस्तर से नीचे हाथ मत रखो, पैर मत रखो बिस्तर से नीचे, जैसे उठ के बैठो बिस्तर पे, कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, फिर खोलो, भगवान का नाम लो, प्रभु का, जैसे जो भी जिसको मानते हो, उसके बाद में फिर उसको फिर से खोल के देखो तुरंत लाइट जला के, जो आपने देखा था रात में, और फिर एक बार सिर्फ देख लो बस, उसके बाद जाओ अपना दैनिक जीवन का कार्य करो, जो भी आपको करना है। देखो आपको उसमें से जो वर्ड हैं जो आपने देखा वो आपके दिमाग में फिर भी चलते रहेंगे, मैंने ये चीज़ देखा था, ऐसे आपको याद हो जाएंगे आराम से, बहुत कुछ याद हो जाएगा, ये ट्राई करके देखना, आजमाया हुआ नुस्खा ज़रूर काम आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी अगर इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, पूरा कोर्स के लिए PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स देखें। बाकी अगर आप YouTube पे हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपके लिए एक एक क्लास ऐसे लाते रहेंगे, लेकिन ऐसे हो सकता है समय कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप ऐप में चले जाओगे तो वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद। चलो इसमें हम आपको अंतर दिखाते हैं, देखो ये है 4x plus 3 equal 2x plus 1, 1 मतलब 11, ये है 2x into x square minus 1 equal 2x cube minus 2x। देखो ये सर्वसमिका है, ये समीकरण है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे आपको समझ में आएगा, इसके लिए आप पूरा क्लास देखो, भागना नहीं कहीं। हाँ देखो ये दोनों अलग अलग है, उधर सर्वसमिका इधर समीकरण है। अब देखो बच्चा यहाँ पे रेड लाइन आ जा रही बीच में, रेड लाइन मतलब ये डिसाइड करती है कि ये अलग क्षेत्र है, वो अलग क्षेत्र है। चलो हम दोनों तरफ चलेंगे, जायजा लेंगे, कहाँ क्या अंतर है, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, दोनों देखेंगे। चलो ये बताओ, अगर हम इस समीकरण में यक्ष का मान एक रखें और सर्वसमिका में भी एक रखें तो क्या तहलका मचता है। देखो यक्ष का मान वन रखो बच्चा, इसमें आप वन रखो, यक्ष का मान आप जानते हो हल करना, यक्ष का मान एक रखोगे तो चार एकम चार होगा और चार में तीन जुड़ेगा सात हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो भाई ये आपका दायां पक्ष है यानी RHS है और ये आपका LHS है, बोलो है कि नहीं।
ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। दायां बायां कैसे? ऐसे खड़े हो जाओ, देखो ये दाहिनी साइड है हाथ के, बाई साइड है, तो ये दाहिना पद हो गया, ये बायां पद हो गया। तो बायां पद कितना आएगा मान? 7 आएगा। दायां पक्ष का मान देखो क्या आएगा, हल करना आप जानते हो ना। यहाँ पे यक्स की जगह पे जब 1 रखोगे तो 2 × 1, 2 × 1 = 2 ना, 2, और ये 11 जोड़ दो, 11 × 2 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। मतलब समझते जाना पूरा, कितना हो जाएगा बच्चा ये 13। यानी बायां पक्ष 7, दायां पक्ष 13 आया जब मैंने 1 रखा। अब आगे देखो कहानी कैसे होती जाती है, पूरा देखो। ये बताओ LHS और RHS बराबर हैं इसमें? नहीं बराबर हैं। ये चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी एक आप और कालम बना लेना, उसमें समझ लेना। आगे देखो, यक्स का मान अगर इसमें हम 1 रखें, चलो इसमें भी क्या करते हैं, यक्स का मान 1 रखते हैं, चूँकि इसमें भी मैंने 1 रखा था तो 1 ही रखना उसमें भी। इसमें जब 1 रखोगे, आपको पता है कि 2 × 1 = 2 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, और 1 में से 1 घटा दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा भाई, सीधी सी बात है। देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज कर रहा होगा तो मैं कर देता हूँ, कहाँ पे यहाँ हल कर दूँ, देखो उसको लिख लो पूरा, 2x × x² - 1। सिर्फ इतने में रखना हमें x का मान। देखो वो कौन सा पद है, दायां है, ये बायां है, बाएं में मैं रख रहा हूँ। x का मान 1 रखोगे बच्चा, ये इतना हो जाएगा, ये 1² - 1, यही होगा। 2 × 1 = 2, 1² - 1 - 1, 2 × 0 = 0। कितना आएगा, 0 आएगा, जब x का मान रखोगे 1 रखोगे। अगर दूसरे पद की बात करें हम बच्चा, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह पे 1 रख दो, 1 का कितनी भी बार गुणा कर लो, चाहे 3, 4, 5 बार, तो 1 ही रहेगा। तो हमेशा ये क्या रहेगा, 2 ही आएगा, -2 × 1, मतलब कुल मिलाकर के ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। आपने देखा जब हमने इस सर्वसमिका में यक्स के मान 1 रखे, तब दोनों पद इसमें बराबर आया, LHS और RHS दोनों इक्वल आया। लेकिन भाई साहब ये समीकरण में ऐसा नहीं हुआ, समीकरण में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसे बायां पद बोलते हैं 7 आया है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड जिसे बोलते हैं दायां पक्ष वो 13 आया है। अब अगर हम बात करें दूसरे किसी मान की, चलो मान लो कि मैंने 2 रख दिया, समीकरण में क्या रखते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं, तो बच्चा 2 रख के यहाँ देख लो, 4 और x की जगह पे 2 रखोगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। हाँ, x की जगह पे यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 × 2 = 8, 8 में 11 जोड़ोगे तो 11 × 8 कितना होगा भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है का? नहीं गड़बड़ हो रहा है, 2 रखोगे ना x का मान तो 2 × 2 = 4 होगा, 11 × 4 = 15, कितना आएगा, 15 आएगा। इसमें भी चलो हम 2 ही रखवा देते हैं लगे हाथ, हाँ देखते जाओ, अंतर आपको समझ में आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। समीकरण जो है वो यक्स के किसी एक निश्चित मान के लिए ही दोनों पद बराबर होगा, LHF RHS, जबकि सर्वसमिका यक्स के प्रत्येक मान के लिए हमेशा बराबर होगी, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। यही मुख्य अंतर होता है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अब देख लो। हाँ, यक्स का मान 2 रखो, इसमें 2 रखो, मैं हल करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नीचे देख लो, 2x × x² - 1 है ना, यही है। एक्स की जगह पर 2 रखो बच्चा, आप जानते हो 2 × 2 हो जाएगा, ये यक्स की जगह पर 2, और यक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर - 1, आप जानते हो ये 4 हो जाएगा, ये 4 - 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना, 2 × 2 = 4, 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, कितना आएगा फाइनल में, 12 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 12 आएगा ना, 12 आएगा, लिख लो, ये हो गया 12। इसी तरह से अगर आप यक्स का मान उसमें रखो जो उधर साइड में है, उसमें भी 12 ही आना चाहिए, आएगा 12, कैसे आएगा, देखो मैं लाऊंगा ना, टेंशन काहे को लेते हो, देखो इधर साइड में आ रहा, दौड़ के आ रहा ये 12, कैसे, यक्स के मान 2 रखने हैं तो यहाँ पे 3 घात भी लगी थी भाई साहब। यक्स के मान 2 रखोगे, आप जानते हो कि 2 का जब क्यूब करोगे तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, कितना होता है, 8। हाँ, तो यानी यक्स क्यूब का मान 8 हो जाएगा, 8 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा यार, 16 आएगा साथियों, -2 × x² = 2 रखोगे तो 4, हाँ 16 में से 4 गए 12 आया, ये भी देखो बराबर आया ना, आया ना बराबर। कोई भी मान आप रख के देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, चलो मैं 3 रख के दिखा देता हूँ, काहे को टेंशन लेते हो, 3 रख लो, यक्स की जगह पे 3 रखोगे तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 15, कितना आएगा, 15। यहाँ पर भी 3 रख लो, 2 × 3 = 6, 11 × 6 = 17, हैं गड़बड़, हाँ सिंपल सी बात है, गड़बड़ होगा ही, चूँकि बराबर थोड़ी आएगा ये, यहाँ पे 3 रखोगे 2 × 3 = 6, 11 × 6 = 17,
चलो यहाँ पे भी मैं सर्वसमिका में भी 3 रखवा देता हूँ, देख लो बिल्कुल टेंशन ना रह जाए एक भी मिनट के लिए, चाहे जितना बार भी रख के देख लो, सिर्फ और सिर्फ यक्ष के मान 4 रखने पर यहाँ पर दोनों पद बराबर आएंगे, 4, बाकी किसी पर भी दोनों पद बराबर नहीं आएंगे। लेकिन सर्वसमिका में कुछ भी रखो सब बराबर आएगा, इसको सब हजम है, कुछ भी रखो। 3 रखो, द्वितीयाई 6, और ये 3 3 9 कितना आएगा भाई, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 3 3 9 माइनस 1 करोगे 8 आएगा, ये 8 हो गया और ये 2 3 6, हाँ 8 छंग कितना हो जाएगा 48, तो बच्चा ये आएगा 48, कितना आएगा ये 48 आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ हटा के रख देता हूँ, अब देखो आगे क्या होता है, कितना आया 48। अब 3 रखोगे जब और 3 का क्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आएगा, बोलो 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, मैंने क्यूब याद करवाया ना, 27 आएगा बच्चा, 27 में जब 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा, माइनस 2 गुणा 3 मतलब 6 आएगा, 54 में से 6 घटाओगे, 54 से जब 6 सबट्रैक करोगे तो 48 आएगा, कितना आएगा 48। इस तरह से फिर से देखो, ये हर एक मान के लिए बराबर है, 1 रखा तब भी दोनों बराबर, 2 रखा तब भी दोनों बराबर, 3 रखा तब भी दोनों बराबर, लेकिन ये बेवकूफ़ कहीं बराबर नहीं हुआ एक भी जगह, हाँ इसकी अलग चुर रही उसकी अलग चुर रही भैया, अब देखते जाओ आगे कैसे कहानी होती है, बस देखते जाना, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, घबराना नहीं। चलो x का मान 4 रखो, चलो काहे देर करते हो, x का मान 4 रखो भाई साहब, x का मान 4 रखोगे यहाँ पर तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ोगे 19 आएगा। अब हल करना, आपको आता मैं नहीं बताऊँगा, बार बार यही बताऊँगा ज़िंदगी भर क्या, x का मान यहाँ पर 4 रखोगे तब 4 2 8, 8 में 11 जोड़ोगे 11 8 19, कितना आएगा 19। देखो खुदा ना खास्ता दोनों पद बराबर आ गए x बराबर 4 पर, तो अब ये भी जान लो यही ब्रह्मा की लीक हो गई भैया, अब ये 4 के अलावा कोई भी मान रख लो कभी भी दोनों पद बराबर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ x के 4 रखने पर ही दोनों पक्ष बराबर आएगा, लेकिन ये बेचारा तो पहले से ही ढोता आ रहा है, इसमें कुछ भी रख दो सब सही है। चलो इसका मान अगर 4 रखोगे तो ये 4 2 8 8, और इसका 4 रखोगे मतलब 4 चौका 16 में से घटाओगे 15, और 15 8 कितना हो जाएगा 120 ना, तो कितना आएगा ये 120। इसमें भी चलो देख लो, 4 रखोगे, 4 का क्यूब करोगे जब तो कितना आएगा आपको पता है, मैंने क्यूब आपको याद करवाया था बचपन में, अगर याद करो तो, पढ़े लिखे हो तो भाई याद होगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं याद होगा। तो 4 का अगर हम क्यूब की बात करें तो 4 चौक 16 चौका 64 होता है, 64 का 2 में गुणा करोगे माइनस 2 चौका 8, हाँ भाई 2 चौका 2 छंग 12, 128, 128 से 8 घटा लो 120 आएगा। आप यहाँ पर अगर नज़र दौड़ा के देखो बच्चा, तो ये यक्ष के प्रत्येक मान के लिए बराबर है जो सर्वसमिका थी, लेकिन जो समीकरण है वो यक्ष के सिर्फ और सिर्फ 4 रखने पर ही बराबर आया है, बाकी किसी मान पर भी बराबर नहीं आया है। चाहे आप 5 रख के भी देख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो मैं 5 रख के भी दिखा देता हूँ यार, 5 रख लो, यक्ष का मान 5 रखो, 4 5 20 3 23, कितना आएगा ये 23 रख लो, लो कितना आया 23, इसमें भी 5 रख लो, 2 5 10 2 5 10 10 11 कितना आएगा 21, हाँ 2 5 10 11 21, इसमें भी रख लो, ये बेचारा हरदम बराबर आएगा, बहुत सीधा फायदा है ये, 2 5 10 2 5 10 5 5 25, और उसमें से घटा दोगे 24, ये 10 है वो 24 है, तो 24 10 240, यहाँ पर 5 रख लो बच्चा, आपको पता है कि 5 का क्यूब करोगे भाई, यहाँ घात 3 है तो क्यूब करोगे, 5 5 25 5 125 आएगा, 125 का 2 से गुणा करोगे, हाँ माइनस 2 5 ये कितना हो जाएगा 10, आपको पता है 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, हमें लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ है का, बराबर हमेशा आना चाहिए, 5 5 25 5 125, मैंने क्या रखा, 5 ही तो रखा ना यार, चलो देख लेता हूँ, 2 से गुणा करो, 5 × 5 × 5, 5 5 25 5 125, 125 का 2 में गुणा करो, ओ 150 कहाँ से आएगा भाई साहब, 125 दूना 250 होगा, 250 से इसको घटाओगे तो 140 होगा, कितना होगा 240 होगा, कितना आएगा 240, यहाँ पे तो मैं 240 वैसे लिख दिया फालतू है, मैं यहाँ 5 रखो ना, ये तो x का मान है ना, 5 रखोगे तो यहाँ 240 आएगा, वहाँ भी रख लो देखो 240 आया, यानी ये फिर से जब मैंने 5 रखा तो अलग अलग आ गया, 23 21 आ गया, लेकिन ये कभी नहीं बदला। इस तरह से आप कह सकते हो कि यक्ष के प्रत्येक मान के लिए जो बराबर होता है वो सर्वसमिका कहलाती है,
और x के जो एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होता है वो समीकरण कहलाता है। यही मूलभूत अंतर था समीकरण और सर्वसमिका में। आप इन्हें नोट करिए, नोट्स बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो PBR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें, उसमें जाएं, इस तरह से बड़ी बड़ी क्लास देखें, एक एक घंटे दो दो घंटे की मस्त क्लास, और टॉप करेंगे आप DLED की परीक्षा में। मैथ में हमारी गारंटी होती है, बाकी विषय आप घर पे पढ़ सकते हो, जो आपके संस्कृत है, पर्यावरण है, हिंदी है, जो भी है उनको रट डालो घर में बैठ के कहानी नुमा बना के। प्यार करना सीखो इन विषयों से, जैसे प्यार में आप व्हाट्सएप और फेसबुक में पागल रहते हो, वैसे इनसे प्यार कर लो तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। समझते हो ना, जब प्यार हो जाता है ना तो बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं, तो वो मैथ जो बहुत मुश्किल लगती है ना बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन कोशिश तो करके देखो ना, एक बार संभव होगा ज़रूर, है ना। चलो आगे चलते हैं, नीचे लिख लो निष्कर्ष, नीचे निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष लिखो। ये पूरा कहानी करने के बाद निष्कर्ष लिखो, भाई ये सब मैंने किया तो इससे क्या निष्कर्ष मिला, रिजल्ट क्या आया, लिखो। उपरोक्त तालिका से हम देखते हैं, उपरोक्त तालिका से हम देखते हैं कि समीकरण यक्स के एक निश्चित मान के लिए, यक्स के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। जैसे देखो, यक्स के ये सिर्फ और सिर्फ चार रखने पर ही संतुष्ट है दोनों पद, बाकी संतुष्ट कहीं नहीं है। तो उपरोक्त दोनों तालिका से हमने देखा कि समीकरण यक्स के किसी एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, जबकि सर्वसमिका यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। ये मैंने अपनी तरफ से बना के बताया। आपकी बुक वाली परिभाषा बता दूं, आपके बुक में क्या दिया है उसको भी देख लो। आपके बुक में ऐसा दिया है, चाहे उसको लिखो या ऐसे लिखो, कोई गलत नहीं काट सकता। अगर ऐसे आपने बना दिया और मेरी बात लिख दिया, अगर आपको नंबर नहीं मिला बताना, हम आएंगे, हाँ, कोई काट नहीं सकता है। आपके बुक में लिखा है, अरे बड़ी लंबी कहानी है, उसके बाद लिखा है नीचे, अतः समीकरण एक ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक है जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए या मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका एक ऐसा समानता सूचक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। यही समीकरण और सर्वसमिका में प्रमुख अंतर है। हाँ, जो मैंने लिखवाया उसमें भी नीचे लिख देना, यही समीकरण और सर्वसमिका में प्रमुख अंतर है। तो हो गया ये समीकरण सर्वसमिका, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चा। इसके बाद हमें आपको क्या कराना है, एक्सरसाइज करवाने हैं, प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न करवाने हैं, वो आप लोग अगर चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो मैं करवा भी दूंगा, टेंशन मत लेना। आपको सब कुछ मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, बस आप PBR स्टडी के साथ बने रहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, उनको नोट कर लीजिए फटाफट, देर मत करिए। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज के उद्देश्य से है, आप इनको ज़रूर देखिए। अध्याय 7 है आपका सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सर्वसमिका है, निम्नलिखित में सर्वसमिका कौन है, इनमें जो दिया गया उनमें सर्वसमिका कौन है उन्हें आपको बताना है। सर्वसमिका मीन्स आइडेंटिटी, जो यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है वही सर्वसमिका कहलाता है। इसे ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक या एक ऐसा बीजीय कथन जो यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है वो सर्वसमिका कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है कंडीशन, अगर इसमें यक्स का मान कुछ भी रख के आप देख लो, ये हमेशा क्या आएगा, दोनों पद बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसमें अगर हम यक्स का मान एक रखेंगे तो दोनों पद बराबर आएगा। बच्चा देखो, यक्स का मान एक रखोगे तो ये दो हो जाएगा, दो धन तीन बराबर पाँच, दोनों बराबर आएगा। अगर हम यक्स का मान दो रखेंगे तो ये दो दूना चार तीन सात, सात बराबर पाँच बराबर नहीं है। तीन रखोगे दो तिहाई छः तीन नौ, नौ बराबर पाँच बराबर नहीं है। यानी यक्स के सिर्फ वन रखने पर ये दोनों पद बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। ये एक समीकरण है, सर्वसमीकरण नहीं है। अगर इसकी बात करें, इसमें आप सीधा सीधा देखो, टू का एक्स में मल्टीपल कर दो टू एक्स हो जाएगा, टू का वन में कर दो टू हो जाएगा, यानी टू एक्स प्लस टू जो कि इधर साइड में है, यानी ये सीधा सीधा सर्वसमिका है। कैसे, यक्स का कोई भी मान रख के देख लो बच्चा, इसमें एक्स का मान अगर वन रखोगे तो यक्स की जगह पे अगर वन रख देंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, और टू का टू में गुणा करोगे फोर हो जाएगा, कितना आ जाएगा चार ना, इधर क्या आ गया चार। अगर यक्स का मान इधर एक रख दें तो दो एक कम दो और फिर धन दो, दो धन दो चार, दोनों पद बराबर हो जाएगा ना। अगर हम दो रख दें एक्स का मान तो आपको पता है यहाँ पे दो हो जाएगा, तो दो एक तीन, तीन ना, और दो में गुणा करोगे छः। यहाँ पे अगर हम दो रख दें एक्स पे तो दो दूना चार, और चार में दो जुड़ेगा छः, यानी एक्स का मान एक रखने पर दो रखने पर भी बराबर है, तो तीन रखने पर कौन मुसीबत है, तीन रख के देख लो।
तीन रखोगे x की जगह पे, तो 3 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 2 में गुणा करोगे, 4 × 2 = 8 कितना आएगा 8, यानी 8 यहाँ पे 4 रख लो, कितना 3 रखना ना, अभी 3 रख लो, 2 × 3 = 6 में 2 जोड़ोगे 8 दोनों पद बराबर आया ना, 1, 2, 3 कुछ भी रखने पे बराबर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक रखने पे बराबर आ रहा है। वैसे इसको देख लो बच्चा, ये भी क्या है, x के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए दोनों पद बराबर होगा, अन्यथा ये कभी भी बराबर नहीं होगा, करके देख लो। अगर x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, इसमें -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 + 6 तब भी ये बराबर नहीं होगा। आप रख रख के ट्राई कर लो अलग अलग मान, देखो अगर किसी पे संतुष्ट होता है तो बता देना फिर। हाँ तो आप समझ गए, ये सर्वसमिका है, इसमें एक ही था, बाकी और सभी समीकरण हैं, बाकी ये कभी भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। हाँ चलो, हाँ लेकिन जो समीकरण होंगे वो यक्ष के एक निश्चित मान के लिए कभी ना कभी एक दूसरे को संतुष्ट जरूर करेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ तो चलो, दूसरा कह रहा है इस समीकरण में यक्ष का मान क्या है। देखो मैंने बहुत अच्छे से शुरू में बताया था, जो समीकरण और सर्वसमिका बताया था, यक्ष का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, यक्ष इधर रहने दो, 7 को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, 9 - 7 = 2 आएगा, यक्ष का मान 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यार अगर पढ़े लिखे हो ना, ईमानदारी से क्लास देखे हो तो सब कर लोगे, नहीं देखे हो तो फिर कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल लगेगा ये सब। अब देखिए आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनको खुद इस तरह से करिए, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, बाकी अगर समय बचेगा तो लास्ट में अभी हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न यूट्यूब पे लाइव करवा देंगे, सभी बच्चे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी दे दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में, आप लोग वेट करिए, नंबर पे संपर्क करना, अगर नहीं मिलता है तो याद दिला देना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप जो कोर्स पढ़ाया गया अगर ईमानदारी से देख लिए हो, सीख लियो, तो सब हो जाएगा। इसके आगे जो 8 चैप्टर हैं देखो उसमें पूरा है, पहले से जाके सभी को देखो और ईमानदारी से पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, खाली मन से पढ़ो, कोशिश करो कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, दिमाग जो है वो निश्चित रहता है, एक आराम की अवस्था में रहता है। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, अगर आपको कुछ याद नहीं होता, आप याद करते हैं तो उसे याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपको मान लीजिए कुछ भी याद करना, मैथ का फार्मूला या सूत्र या किसी की जीवनी कुछ भी, तो जब आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले उसको अपने पास रखिए, लिख करके कहीं भी उसे एक बार देख लीजिए, बेड पर जब जाइए तो ऐसा मत देखिए कि मुझे याद करना है, टेंशन में आ जाओ, नहीं, केवल एक बार पढ़ लो उसको आराम से, हल्के में बस रख दो, सो जाओ। जब आप लेटोगे आपके दिमाग में उससे संबंधित वर्ड आएंगे, मैंने क्या पढ़ा था, कैसे क्या था, सोचोगे, सोचते सोचते सो जाओगे, फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें उसमें से याद हो जाएंगी। जैसे सुबह उठो, बिस्तर से नीचे हाथ मत रखो, पैर मत रखो बिस्तर से नीचे, जैसे उठ के बैठो बिस्तर पे, कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, फिर खोलो, भगवान का नाम लो, प्रभु का, जैसे जो भी जिसको मानते हो, उसके बाद में फिर उसको फिर से खोल के देखो तुरंत लाइट जला के, जो आपने देखा था रात में, और फिर एक बार सिर्फ देख लो बस, उसके बाद जाओ अपना दैनिक जीवन का कार्य करो, जो भी आपको करना है। देखो आपको उसमें से जो वर्ड हैं जो आपने देखा वो आपके दिमाग में फिर भी चलते रहेंगे, मैंने ये चीज़ देखा था, ऐसे आपको याद हो जाएंगे आराम से, बहुत कुछ याद हो जाएगा, ये ट्राई करके देखना, आजमाया हुआ नुस्खा, ज़रूर काम आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी अगर इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, पूरा कोर्स के लिए PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स देखें। बाकी अगर आप YouTube पे हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपके लिए एक एक क्लास ऐसे लाते रहेंगे, लेकिन ऐसे हो सकता है समय कुछ ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप ऐप में चले जाओगे तो वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद।